दोस्तों मिर्च मसाला में आपका स्वागत है। मिर्च मसाला में आज हम बच्चों की फेवरेट पोटैटो नगेट्स बनाएंगे और इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, थोड़ा इसमें ट्विस्ट देंगे क्योंकि बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है ये ट्विस्ट। ये आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, शाम के स्नैक्स में भी दे सकते हैं और अगर आपके घर कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो भी आप इसे बनाकर इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आइए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ। यहाँ पे हमने लिया है 3 मीडियम साइज के बॉइल्ड पोटैटो जिसे हमने मैश कर लिया है अच्छे से। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप धनिया पत्ता यानी कोरिएंडर लीव जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है। साथ में हमने लिया है मोज़ेला चीज़ जो कि मैंने लिया है 1/3 कप जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। हमें लगेगा 1 कप उबला हुआ कॉर्न। साथ में यहाँ पे हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच ऑरिगेनो। साथ में हमने लिया है यहाँ पे काली मिर्च और चिली फ्लेक्स हमने लिया है स्वाद अनुसार। नमक हम यूज करेंगे स्वाद अनुसार और हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया सबसे पहले आलू और आलू में हम बाकी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि धनिया पत्ता, कॉर्न, चीज, कॉर्नफ्लोर, ऑरिगेनो, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स और साथ में स्वाद अनुसार नमक, इन सबको डालकर हम अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से मिल चुका है। तो अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे। कोटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। मैदा मैंने 1/2 कप लिया है। साथ में ब्रेड क्रम्स हमने लिया है। मैदे में हम पानी मिलाकर एक पतला घोल रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये घोल अब रेडी है। तो अब हम अपने मनचाहा शेप देंगे लेकिन उसके पहले हम हाथों की ग्रीसिंग कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं हमारा मैटर। और अब हम इसे मनचाहा शेप देंगे। आपको जैसा शेप पसंद आप उसे वैसा शेप दीजिए और उसके बाद अपना शेप देने के बाद आप इसे मैदे में लपेट कर ब्रेड क्रम्स में इसे लपेट दीजिए। यहाँ हमने मैदे के जो घोल हमने रेडी किया था उसमें लपेटा, फिर हमने ब्रेड क्रम्स में लपेटा और ये अब हमारा 1 नगेट्स तैयार है जिसे हम फ्राई करेंगे। इसी तरह हम बाकी सभी को रेडी कर लेंगे और इसे 30 मिनट्स के लिए हम फ्रिज में छोड़ देंगे। थर्टी मिनट्स अब हो चुके हैं तो हमने इसे फ्रिज में इसे निकाल लिया है और यहाँ पे मैंने सनफ्लावर ऑयल गर्म होने दिया है और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम धीरे धीरे इसे डिप करेंगे और डिप करके हम इसे डीप फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्राई करते वक्त गैस का टेम्परेचर या गैस का फ्लेम आप मीडियम कर सकते हैं या लो कर सकते हैं। हाई बिल्कुल मत रखिएगा वरना ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम इसे टावल में निकाल लेंगे, किचन टावल में। तो ये देखिए मैंने इसे किचन टावल पर निकाल लिया, एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये हमारा बहुत ही टेस्टी पोटैटो नगेट्स एकदम तैयार है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना चीज़ी और कितना टेस्टी बना है। ये देखिए बच्चे इसे ज़रूर पसंद करेंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जब भी हम ऐसी ईजी और सिंपल रेसिपीज डालें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।